and all the friends from army and the family members. And the Bharatanatyam is our culture, it's a showcase of our friends and the media people. And we need delighted to be here, part of this Swadeshi and the Made in India and the Made in India Prabhupada Bharat Prasada Award Ceremony. This shows Dr. Kalam, born and brought up in Rameshwaram, on a small island, but he reached out throughout India, throughout globe, each and every one's heart. Still, after passing away the 7 years, still Dr. Kalam is living in every one's heart. That is, I personally believe, I was in Kalam for 6 years in New Delhi, I worked with him. In his lifetime, he met more than 60 students, and he motivated and he inspired to make this India as a developed nation by 2020. Given the mission of India 2020. हिंदी के बहुत महत्व भी हैं और ये पुरस्कार कलाम साहब के नाम से जुड़ा हुआ है, इतना सौभाग्यशाली महसूस जी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम भारत पुरस्कार उनके फाउंडेशन के साथ जुड़कर दिया जाता है, उनके ट्रस्ट के साथ जुड़कर दिया जा रहा है। और ये केवल नाम नहीं है, यहां आकर व्यक्ति केवल सम्मानित नहीं होता बल्कि उनके विचारधारा, उनके प्रेरणात्मक जो तरीके थे उनके साथ जुड़ जाता है, अनुसूत हो जाता है। APJ अब्दुल कलाम साहब कर्मण्यवादिका रस्ते माँ फलेशु कदाचन माँ कर्म फल हेतु परमात्मा संगो संत कर्मणि को सही मायनों में अपने जीवन में जीते थे। उन्होंने निष्प्रिय रहकर देश की अखंड सेवा की, समाज की अखंड सेवा की और युवाओं लगातार अंतिम क्षण तक प्रेरणा देते हैं। यहां का प्रत्येक व्यक्ति ये चाहेगा कि APJ अब्दुल कलाम से उनका नाम किसी न किसी तरह से जुड़ जाए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके इस पुरस्कार से गौरवान्वित हुआ और उनकी विचारधारा से संपृक्त हुआ, निरंतर उनकी उनके दैहिक अंत तो हो गया है लेकिन उनके विचारधारा की अजस्विनी से मैं कभी भी वंचित नहीं रहने वाला हूँ और उनके पुस्तकों और उनके विचारों के माध्यम से ये श्रोताश्विनी मेरे हृदय और मेरे मस्तिष्क में हमेशा अप्लाई रहने वाले। जय हिंद, जय भारत। तो इट इज़ अ लीजेंडरी अवार्ड ऑफ सर डॉक्टर अब्दुल कलाम, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। जो डिग्निटीज आज एक्सपेक्टेड डिग्निटीज जो आए हुए हैं अब्दुल कलाम सर जी के, उनका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और मैं हर एक लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके सामने ये अवार्ड ले सकता। इस कामयाबी के पीछे आप किसको श्रेय देना चाहते हो, श्रेय किसको देना चाहते हो? इस कामयाबी के पीछे श्रेय तो ऐसे बहुत सारे जन हैं, बट आई बी बहुत थैंकफुल टू मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन MBCCI वॉज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू प्ले दिस गेम, इसलिए मैं आपके सामने। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। I am exceptionally happy to receive this award. ये APJ अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड is a very very prestigious award. मैं environment के सिलसिले में काम करती हूँ और EcoServ एक छोटा सा organization है जिसने nation को, पूरे हमारे country को environment free, environment friendly initiatives के बारे में ज्ञान उनको बताया है। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम environment के related जितनी भी जानकारी है
वो स्कूल्स में दे, संस्थाओं में दे, कॉर्पोरेट्स में दे. हम लोग बहुत सारे ऐसी महिलाओं को जो ऑल ओवर द कंट्री से, बहुत सारी ऐसी महिलाओं को मैंने प्रोत्साहित किया है, एम्प्लॉय किया है, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी है. और वो सस्टेनेबल हैंडीक्राफ्ट्स, सस्टेनेबल क्राफ्ट को हमें इंडिया में नहीं बल्कि सारे देश के जो स्वदेशी मूवमेंट जो है, इसे वोकल फॉर लोकल, ये जो सारी प्रोसेस है, इसको न केवल हमारे देश में बल्कि इसको हमें पूरे भारतवर्ष की जो ये इतनी सुंदर जो कला है, इसको हमें पूरे बाहर देशों में भी पहुंचाना है. हमें हमारे कंट्री की आर्ट्स, हमारे कंट्री की कल्चर को, और हमारे कंट्री में जो लोग बोलते हैं यहाँ पे गरीबी है, मगर इन गरीब लोगों को अगर हमने कुछ सुंदर कला सिखाया और उन्हें ये भी बताया कि ये किस लिए बन रहा है. हम जो भी करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि हम पेड़ों को ना काटें. हम बच्चों को स्कूल्स में कई वर्कशॉप्स करते हैं, उन वर्कशॉप्स में, हम कॉर्पोरेट्स में, होटल्स में, हर जगह, यही मेरी कोशिश है. और अब ये प्रयास मैं सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी कर रही हूँ. और एज इको सर्व, एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, एज अ पैशनेट इकोप्रेनर, मेरा यही संदेश हर एक इंसान से है जो ये मैसेज सुन रहा है कि प्लीज एनवायरमेंट के लिए करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे बदलाव लाओ. और अगर हमें आपसे जुड़ना है तो प्लीज इको सर्व हमारी जो एक प्रयास है उससे जुड़ जाइए. और इस एनवायरमेंट को, हमारी धरती माँ को, आपको सबको इस वक्त जरूरत है कि हम एक ग्रीन प्लैनेट बनाएं. मैं SDG गोल्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, इंडिया रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ, काफ़ी सारे सस्टेनेबल की अवार्ड्स मुझे मिल चुके हैं, लेकिन मैं इन अवार्ड्स के लिए नहीं काम करती. आई एम द रिसिपिएंट ऑफ अ लॉट ऑफ अवार्ड्स. आई हैव रिसीव्ड अवार्ड्स इन फॉर माई बेस्ट इको फ्रेंडली कंपनी, एज द बेस्ट एंटरप्रेन्योर. और ये जो अवार्ड है सबसे स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि ये APJ सर की मोटिवेशन, जिसको मैं खुद मोटिवेटेड फील करती हूँ, मुझे इसे आगे लेके जाना है. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया. छोटा मुँह बड़ी बात, मैं क्या कहूँ, बहुत खुशनसीब हूँ. आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू सोनिया जी for recognize this art and talent which we share in this country and outside this country. Main represent karta hu Hindustan ko US mein, America mein, sari duniya mein. Aur jo shows hote hain hamare, wo hote hain 15 August ko, jo ek bahut hi ahem show hota hai. Aur is mudde ko, aaj ke jo mudda hai usko lete hue, aur Hindustani jo hamare bhai hai wahan par bahar deshon mein, wo hazaron ki tadad mein aate hain, thousands. और हाथ में तरंगा होता है और मुंह पे होता है जय हिंद जबान पर, आंखों में आंसू होते हैं. बहुत ही इमोशनल टाइम होता है वो, जो इवेंट का जो एक बिगनिंग जो होता है. तो और गाना जो पहला जो गाना जो बजता है वो होता है वंदे मातरम. तो इस वजह से शायद मुझे ये रिकग्निशन आज जो मिला है, ये अवार्ड पुरस्कार जो मुझे मिला है, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल सोनिया जी. अगेन आई वुड से टू रिकग्नाइज आवर टैलेंट एंड आर्ट्स एंड अस आर्टिस्ट हु नीड दिस काइंड ऑफ रिकग्निशन इन आवर कंट्री. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ ये जो अवार्ड मुझको मिला है. And we are also doing a lot of charity works there in Coimbatore and Chennai. And we are having around 36 old age people. And we are associated with so many things. Thank you so much. Thank you. Thank you. अवार्ड मिला है, कितने एक्साइटमेंट, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, प्राउड भी फील हो रहा है, क्योंकि सोनिया मैम ने इतना अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी दी है. एंड APJ अब्दुल कलाम में ये नाम में ही बहुत कुछ है. आज तक मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे कि लास्ट ईयर मुझे अपने गवर्नर के, अपने जो कोश्यारी जी हैं उनके साथ से, उनके हस्ते भी मुझे अवार्ड मिला है. बट मैं जो मेरा जो अवार्ड मिल रहा है वो मुझे योगा योगा में, जैसे कि हेल्थ एंड फिटनेस कैटेगरी में मिल रहा है. क्योंकि आजकल देख रहे हो तो बहुत सारा बोलते हैं हेल्थ इज द वेल्थ,
और जो हम लोग कुछ इससे नहीं कर सकते ना वो योगा है, जो एक बात है जो योगा से ही होगा, जो कुछ जो हमने हमारे मन में जो करने की चीज़ है। सिर्फ लोगों में कैसा है कि योगा के मतलब हेल्थ अवेयरनेस कम है, तो आई थिंक कि यहाँ से लोगों को थोड़ा सा हेल्थ अवेयरनेस के बारे में पता चले, अपना हेल्थ का केयर करें। और थैंक यू सो मच एवरीवन कि यहाँ पे मुझे बुलाया और मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि लोगों को थोड़ा हेल्थ के बारे में थोड़ा मोटिवेट करूँ। थैंक यू सो मच। क्या बोला पूरा छुप गया। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर एंड इट्स अ ऑनर टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द नेम ऑफ सच अ ग्रेट पास्ट पर्सन। Hotels are here in Mumbai in Andheri East, and we would love to welcome all of you to come in and enjoy the hospitality of ours. Thank you once again for the award. Thank you, sir. Thank you. Salam sahab, award mila aapko. Kitna excitement kya bolna chahte hain aap? Super excited, and as a teacher, I have only seen this excitement on my students' faces. Lekin aaj yahi excitement mere face par bhi hai. 20 saal ki mehnat of unadulterated, pure, passionate love for students has given me this. And this is not stopping yet. The second innings, I'm going to go much stronger with Abdul sir with my hand. Thank you so much. Thank you. मेरा नाम कमल खिमिरे है। मैं बॉलीवुड सैंडलवुड एक्टर हूँ। सैंडलवुड मतलब कन्नड़ा। और मैं सोनिया जी का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है डॉक्टर अब्दुल कलाम, और मैं उनके साथ पिछले जब से उन्होंने शुरू किया है तब से उनके साथ, और बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई तहे दिल से उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ, और सभी अवार्ड विनर्स को जिन्होंने ये अवार्ड लिया है और उन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया है। So thank you very much and have a great day. Wonderful evening. Thank you, sir. Award to nawali kiya gaya aapko samman ke liye. My name is Sandra D'Souza Rana. By profession I'm a dean and by passion a designer and a producer. It's an honor to be receiving this award. I'm very happy that Sonia Mayers and the team recognized us and appreciated us, and it really encourages us to do what we have been doing in this field. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपको अवार्ड मिला है, इसके लिए आप कितना एक्साइटमेंट है, क्या बोलना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर अमित मेडिकल। आई हैव डन माय पीएचडी इन साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, एंड फ्रॉम लास्ट 14 टू 15 इयर्स आई एम वर्किंग ऑन द पीपल्स माइंड। माय देयर इज अ फर्म My namely Healthy Mind Consultancy, which I founded in 2006, and with the way of REBT and CBT, which is called as Rational Emotive Behavior Therapy and Cognitive Behavior Therapy, I have worked on the people minds. Till now, I'm able to save many divorce cases, and I have actually guided people who tried to make the suicide attempt, and now I have been reversed in their life, and now they are living a very healthy life. Till now, I have personally counseled more than 6,000 students and guided in a mass level around 2 lakh people. I am very happy to receive this award, APJ Abdul Kalam Bharat Puraskar. Very glad to receive this because I strongly follow of Dr. APJ Abdul Kalam, and today Ms. Sonia Mayer and her team has made this possible. So I am very thankful to all the team, organizers, and everyone who made this. Thank you so much. मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को आप जानते हैं, मेरा नाम कमल गिवरे है, मैं बॉलीवुड सैंडलवुड एक्टर हूँ, और आज मेरे साथ है जनरल मैनेजर ऑफ गोल्ड फिंच होटल एमआईटीसी होटल के जीएम है, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल कि उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी और मेजर जनरल साहब को, डोगरा साहब को अपने होटल में हॉस्पिटैलिटी दी, एंड वेरी वेरी ग्रेट वेलकम उन्होंने किया है, एंड आई लव फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। Thank you very much, and they have one more branch in Bangalore. So anybody who wants to book Goldfinch Hotel, please do call them and book your hotel booking and banquet. Thank you very much. Thank you. Oh, Banjara! The food was awesome in Banjara. They had this Punjabi food festival. I don't know, they still have super food, super starters, super veg, non-veg, awesome main course and variety of dessert. So please do try Banjara in Goldfinch Hotel, MIT. Thank you very much. Salil Jain है, मैं भारतीय सेना में अभी सर्व कर रहा हूँ, और सबसे पहले मैं
सोनिया मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और एक सम्मान किया। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं एक प्लेटफॉर्म जनरेट कर रहा हूँ फौजियों के लिए, जहाँ पे वो अपनी कविताएं और अपने लेख जो है हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, अपने उनको आगे बढ़ा सकते हैं, और जो सरहद पे उनके साथ बीतता है या जो सरहद पे उनके जज्बात होते हैं वह हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और जो उनको एक बेहतर इंसान और एक बेहतर अपनी बात को पहुँचाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। और होली आने वाली है, होली के उपलक्ष्य में चल रही है, मैं आपके सामने करता हूँ कि गिराए हैं सरहद पर फिर बादल लाल गुलाल, होगी सरहद में फिर खून की बारिश, है दिल में यही मलाल, गोला बारूद और गोली तो होगी, गुजिया माँ के हाथ की न होगी पर उसकी दुआएं साथ तो होंगी, गुजिया माँ के हाथ की न होगी पर उसकी दुआएं साथ तो होंगी, भीगी चुनरी चोली न होगी पर शहादत के साथ हम चोली तो होगी। और अंतिम दो पंक्तियाँ हैं कि होली के रंग कल छूट जाएंगे, होली के रंग कल छूट जाएंगे पर गोली के जख्म नासूर बन जाएंगे, और आपकी होली अगले बरस आएगी, सरहद की होली कल फिर खेली जाएगी, सरहद की होली कल फिर खेली जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। This is celebrity makeup artist and hairstylist and fashion stylist and chartered accountant and beauty influencer Ojas Rajani from Mumbai, and your favorite Osma Jasmine from the movie I. And you're, I'm very happy and very humbled to receive this wonderful award, and thanks to Sonia ma'am and all the lovely dignitaries. I think ye pehla award hai jisme har ek genre ko award diya gaya hai, and to encourage enthusiasm, everything in it, like whether we're a psychiatrist, we're somebody from a social cause, we're somebody from, you know, I was very impressed to know somebody had come all the way from Delhi Army Air Force. I think ye bahut hi zaruri hai ki har ek category mein hum log logo ko acknowledge kare aur har ek logo ko inspiration de कि आज की जनरेशन अगर अपना सपना पूरा करना चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं। आज हम यहाँ 25 साल से हेयर मेकअप कर रहे हैं, उर्मिला का रंगीला से लेके देवदास, अब्दुल देश के कनम, ऐशा का रोबोट, गुजारिश, तारा सुतारिया, स्टूडियो, आई थिंक कोई भी हीरोइन ऐसी बाकी नहीं है जिसने हमारे साथ नहीं किया है काम। और आज हमारा हेयर अकेडमी भी है बॉम्बे में बांद्रा वेस्ट में, तो हम हमेशा ये दाखिला देना चाहेंगे कि आप अपना सपना हमेशा पूरा कर सकते हैं, आप ख्वाब देखना शुरू करें और ऊपर वाले भी छोड़ दें और अपनी मेहनत जी जान से लगाएं तो कोई भी सपना आपका जरूर पूरा होगा। यहाँ एक आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है, तो स्टे ब्लेस एंड गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। और सबके लिए बहुत ही अच्छी भावना रखिए, सबका भला हो तो आपका भी भला हो, किसी के लिए भी छल कपट या मन में कोई दुविधा ना रखे तो ये दुनिया बहुत ही अच्छी रंगीन हो सकती है। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। थैंक यू सर। मुझे आज बहुत खुशी है कि इतना बहुत अब्दुल कलाम जी के नाम पे जो अवार्ड हुआ है, बिकॉज ये बहुत रेयर चीज़ें जो हमें मिल सकती है, फिल्मी अवार्ड मिल सकते हैं, फैशन का मिल सकता है, सब मिल सकता है, बट गेटिंग अवार्ड ऑन द नेम ऑफ अब्दुल कलाम जी इज़ लाइक प्रिविलेज टू मी। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा उनके नेफ्यू आए, इतने मतलब बहुत ही सरल दिल हैं, इतना डाउन टू अर्थ है, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एंड सोनिया मैम ने बहुत अच्छी मेहनत से काम किया है, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल कि मुझे ये अवार्ड उन्होंने दिया, और शोस्टॉपर भी हूँ, सो थैंक यू सो मच। अभिषेक बैनर्जी एंड आई हैव रिसीव द अवार्ड फॉर मेंटल हेल्थ एज अ साइकोलॉजिस्ट। मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के दैट ऐसे प्लेटफॉर्म पे मेंटल हेल्थ को भी आजकल अवार्ड दिया जा रहा है, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के टाइम में। वी सी सो मेनी सुसाइड्स हैपनिंग, वी सी सो मेनी इश्यूज रिलेटिंग टू एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंडस्ट्री। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे कॉजेज को भी सपोर्ट किया जा रहा है, एंड और भी सपोर्ट करना चाहिए ऐसे कॉजेज को, इज़ व्हाट आई फील। आई एम डीपली ग्रेटफुल टू द एंटायर टीम ऑफ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम अवार्ड्स अलॉन्ग विद सोनिया मेयर्स एंड द एंटायर टीम ऑफ स्वदेश इंडिया एंड IMFL, एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। सो इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी टू गेट दिस अवार्ड ऑफ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम अवार्ड। एक्चुअली मैं एक IT प्रोफेशनल हूँ, और मेरा एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तारे ज़मीन पर, जिसमें 11,500 प्लस पेरेंट्स हैं, और उसमें हम काम करते हैं वी गिव प्लेटफॉर्म फॉर चिल्ड्रेन टू शोकेस देयर टैलेंट। तो आज मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है कि जो जिनके नाम पे मुझे अवार्ड मिल रहा है, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, वो अपना पैशन के लिए बहुत परस्यू अपना पैशन करते थे, और मैं जो काम कर रही हूँ, मेरा जो सोशल वर्क है वो भी बच्चों के पैशन के ऊपर है, जहाँ पे हम एनकरेज करते हैं बच्चों को टू परस्यू देयर पैशन। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ माई लाइफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
Summer, the mastermind behind Nutra Home Healthcare, and she's also been a Bollywood actress, an absolute stunner, Poonam Jhawar. And as I said, I reiterate wealth of encouragement for today's event. Thank you so much. Thank you. वेल स्वदेशी रनवे के साथ मैं एक पहले साल से जुड़ा हुआ हूँ. उनका जो पहला डांस परफॉर्मेंस था मैंने दिया था. इट जस्ट इज वंडरफुल कि इस तरह पे बार बार हर सीजन में आकर के उनको सपोर्ट करने में बहुत अच्छा लगता है. और आज और ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि आज मैं सर है एंड जिस नाम से हम लोग जुड़े हैं उस नाम के साथ ही ये जुड़े हुए हैं. एंड इट इज़ सो वंडरफुल टू हैव यू हियर. थैंक यू सो मच. आपने ऑनर किया आपके प्रेजेंस के साथ में. आपके साथ जुड़ना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. ये पुरस्कार मिलना इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में आपका जो हाथ रहा आपने जो हमें सपोर्ट दिया है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा. सोनिया मेयर जो इसकी पूरी ऑर्गेनाइज़र है शी इज़ बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब. सालों साल से इवेंट करती आ रही है एंड वी आर नाउ सो मेनी इयर्स डाउन द लाइन. जिस तरह से प्रमोट करती है इंडिया को इंडियननेस को इट इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. और आई एम हैप्पी कि मैं इसका हिस्सा बन पाता हूँ हर साल. मेकिंग दिस रनवे टू प्रमोट अवेयरनेस अमंग द पीपल टू यूज अवर ओन प्रोडक्ट इंडियन प्रोडक्ट. सो वेरी थैंकफुल टू सोनिया मेयर फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव ऑल ओवर इंडिया एंड स्पेशली इन महाराष्ट्र. एंड थैंक यू सर फॉर कमिंग डाउन फॉर सपोर्टिंग सोनिया मेयर जी फॉर दिस स्वदेशी. सो वन ऑफ दिस ईयर सो वी आर हैप्पी टू असोसिएट विद सोनिया मेयर फॉर दिस स्वदेशी इनिशिएटिव अक्रॉस इंडिया. पावर पावर मिलता है पावर दिस पीपल्स ऑटोमेटिकली पावर. Next program is all over the students here. I am meeting all the school students, college students. So encouraging, I am taking Dr. Kalam's legacy to the students community. Next program, so Sonia ji will tell better. They ask you about the next program, what you want to do and when you want to do it. Our next program is Delhi. By God's grace, we are moving to Delhi. That's the capital of India. And we are going to do a lot of program in Kalkata. And we are going to take the whole world. 21 countries together. मेहनत तो बहुत लगती है हमारे. मेरे तो रातों की नींद निकल जाती है. कभी कभी लगता है मुझे कि मैं बस गिव अप कर दूं. लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाला बोलता है अगर आप देश के लिए कुछ करते हो तो कोई गिव अप नहीं कर सकता है. कभी कभी लगता है हम औरतें नहीं कर पाती है. लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बनूंगी. वी कैन बी हिस्ट्री. विक्रांत अक्षयकर मुझे सोशल एक्टिविटीज़ इन पॉलिटिशियंस का अवार्ड मिला है. एंड मैं थैंकफुल हूँ स्वदेशी ब्रांड्स का. एंड APJ अब्दुल कलाम जी एक अपने आप में एक मोटिवेशन है. और मैं अवार्ड घर पे नहीं लेके जा रहा हूँ. मैं एक नई सोच और एक नई उम्मीद लेके घर जा रहा हूँ. और इस अवार्ड की तरफ से मुझे बहुत सारी मोटिवेशंस मिलने वाले आने वाले मेरे दिनों में काम करने के लिए और एक नई डायरेक्शन मिलने वाली है. सो मैं थैंकफुल हूँ स्वदेशी ब्रांड्स का. एंड वंस अगेन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के लिए भी इसी अवार्ड्स उनके नाम से देते रहे और बहुत सारे यंगस्टर्स को आप एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते रहे. थैंक यू सो मच. मैं बहुत खुश हूँ. मैं दिल्ली से हूँ.
और मैं स्पेशली इस अवार्ड के लिए दिल्ली से आया, और जब मैंने देखा जब मेरे को इनवाइट मिला था डॉक्टर अब्दुल कलाम के जो अवार्ड्स हैं, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम को मैं बहुत मानता हूँ। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, मिसाइल मैन थे, इतने हम्बल आदमी थे, यू नो उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत किया, तो इसलिए मैं बहुत उनसे प्रेरित हूँ। और यहाँ जब आया फिर मैंने देखा उनको क्या इज्जत मिल रही है, उनके यहाँ पे फैमिली के लोग भी आए हुए हैं, तो बहुत बढ़िया शो हुआ आज, बहुत अच्छा कंडक्ट हुआ, और इनको और भी पावर मिले और भी प्रोग्रेस मिले। थैंक यू। सो सोनिया मैम ने ये जो ऑर्गेनाइज़ किया, उन्होंने बहुत मेहनत करके ऑर्गेनाइज़ किया, डिस्पाइट द फैक्ट उन्होंने बताया जैसे उनका पहले कहीं और प्रोग्राम होना था वो कैंसिल हो गया, और फिर उन्होंने दिन रात करके ये लोकेशन करके ये प्रोग्राम जो हाई क्लास का किया उन्होंने, मैं उससे बहुत इम्प्रेस हूँ। वेल डन सोनिया मैम। क्या मैंने आयोजित किया हुआ अब्दुल कलाम भारत पुरस्कार 2023 और सोनिया मेयर जी के साथ मैं 15 साल से काम करता हूँ और उनके सारे अवार्ड शो में मैं मीडिया को बुलाता हूँ, इसलिए मुझे सोनिया ने मुझे अवार्ड के लिए चुना, मेरा सौभाग्य है। सोनिया मेयर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, और आगे भी हम अवार्ड करते रहेंगे और वो मुझे जरूर बुलाएगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर आपके लिए अवार्ड कितना मायने रखता है? मेरे लिए अवार्ड बहुत मायने रखता है क्योंकि मेरा काम जो है बोलता है वो अवार्ड के लायक है, जैसे कि जो स्पेशल काम करते हैं लोग उन्हें अवार्ड दिया जाता है, और ये मेरा मानना है कि मुझे अभी 30-35 साल हो गए इंडस्ट्री में और इस वजह से मुझे अवार्ड मिलते रहे हैं, बिकॉज ऑफ मेरा काम देख के लोग मुझे चुन लेते हैं अवार्ड के लिए। आपको बहुत सारी क्या होता है पता है कि हर महीने में 3-4 अवार्ड होते हैं, और बहुत सारे जो गेस्ट हैं वो हर अवार्ड में काफ़ी मिलने वाले होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा नाम हो जाता है, और मेरा नाम काफ़ी लोगों को पता है, चला है या पता है, तो वो मुझे अवार्ड देने में मुझे प्रोत्साहन देते हैं, और मैं क्या कह सकता हूँ। राज यही है, मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो, फल भगवान बराबर सही टाइम पे सबको देता है। थैंक यू। मला अवॉर्ड मिळालेला आहे त्याच्याबद्दल मी सोनिया मेयर आणि त्यांची टीम थँक यू बोलतो, आणि मी खूप स्ट्रगल केलं या रिव्यूज पेंटिंग ऍड करण्यासाठी, तर ते स्ट्रगल मी सांगितले, पण प्रत्येक आर्टिस्टला ज्यावेळेस अवॉर्ड मिळतं त्या आणि ॲप्रिशिएशन मिळतं त्या तेच खरं अवॉर्ड आपण मानूया, आणि मला अजून बरेच नवीन प्रयोग करायचे रिव्हर्स पेंटिंग आर्टमध्ये। आता मला सोनिया मॅमने ॲप्रिशिएट केलं, माझे सर माझे गुरु संदीप सोपारकर सर त्यांनी मला ॲप्रिशिएट केलं, आणि तुम्ही सगळ्यांनी जे मला इथं प्रेम दाखवलं, मला थोडंसं एक्सपोजर देण्याचा जो प्रयत्न केला, तर तुमच्या सगळ्यांचं मी खूप खूप आभारी आहे। ॲक्च्युली सोनिया मेयर मॅडमचं कॉन्सेप्ट होतं स्वदेशी, तर स्वदेशी म्हटल्यानंतर आपण स्वदेशी विचार करतो की स्वदेशी म्हणजे खादी, स्वदेशी म्हणजे कॉटन, स्वदेशी म्हणजे आपल्या लोकांनी बनवलेलं काहीतरी, स्वदेशी म्हणजे गांधीजी, आणि गांधीजींनी स्वतः चरख्यावर विणून कापड बनवलं, आणि त्या कापडाचं प्रमोशन म्हणून त्यांनी इंग्लिश कापडांची म्हणजे फॉरेनच्या त्याची होळी केली, आणि आपल्या देशाला एक मोठा संदेश दिला, स्वदेशी व्हा स्वदेशी वापरा, तर ती क्रांती सुरू केली गांधीजींनी। गांधीजींचं एक महत्त्वाचं तत्व होतं सत्य आणि अहिंसा, ह्या दोन तत्व आणि खादी ह्याचं मी प्रमोट करतो, मी स्वतः आर्टिस्ट असून मी आपलं इंडिया स्वदेशी जे आहे म्हणजे खादी वापरा किंवा इंडियन नॅचरल क्ले, माझी स्वतःचं प्रोडक्शन आहे नॅचरल क्ले आर्टवर्ल्ड, तर मी सगळ्या गोष्टी नॅचरल आणि स्वदेशी वापरण्याचं आव्हान करतोय। आपण दिवसेंदिवस विदेशी गोष्टींना
सपोर्ट करायला लागलेलो आहे आणि आपलं स्वतःचं काय ते विसरलेलं आहे, तर असं कृपया करू नका. मी स्वतः विष्णू मर्डेकर आहे आणि मी फाईन आर्ट केलेले 5 वर्षांचा जो डिप्लोमा असतो तो, आणि मी 30 वर्ष टीचिंग केलेले आहे आणि टीचिंग माझं पॅशन आहे. मुलांना चित्र काढायला शिकवलं, त्यांना तयार करणं, त्यांची कला